रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर कुत्तामार मुहिम कामयाबी से जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बहावलपुर के चीफ ऑफिसर चौधरी शफी कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते में 300 के करीब कुत्ते मारे जा चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर जिला में कुत्ते मार मुहिम नाकाम नजर आती है, लेकिन बहावलपुर शहर में इस हवाले से इंतहाई मुनासिब इकदाम किए गए हैं, जिनके बारे में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बहावलपुर के चीफ ऑफिसर चौधरी शफीक कहते हैं कि कुत्ता मार मुहिम कामयाबी से जारी है। पिछले हफ्ते में 300 के करीब कुत्ते मार चुके हैं। हमने फिर भी इसको सेंसिटाइज करते हुए 25 टीमें मुकर्रर की और पूरे शहर में जो है उसको हमने कराया। मेरे चीफ सेंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सुपरविजन की, मैंने भी उनको टाइम टू टाइम चेक किया, जिसमें तकरीबन हमने एक हफ्ते के अंदर 300 कुत्ता जो है वो मारा। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चौधरी शफीक ने कहा कि हमारे पास कुत्तों को मारने के लिए जहर की भी कमी नहीं, शहर में नजर आने वाले कुत्ते देहात से आ रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नहीं, हमारी जहर खत्म हुई थी, हमने फौरी दोबारा उसकी सप्लाई ले ली है, जहर हमारे पास वाफर मकदार में। लेकिन मैं यहाँ एक वजाहत जरूर करना चाहता हूँ कि अस्पताल में ज्यादा केसेस का जो आ रहे हैं वो रूरल एरिया के हैं, हमारे सिटी एरिया का कोई ऐसा उधर नहीं है केस। चीफ ऑफिसर का कहना था कि तहसील काउंसिल्स अपना काम सही नहीं कर रही, अगर तहसील काउंसिल्स भी कुत्ते मार मुहिम कामयाबी से चलाएं तो ऐसी सूरत हाल ना हो। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बहावलपुर जिला में कुत्ते मार मुहिम नाकाम नजर आती है, लेकिन बहावलपुर शहर में इस हवाले से इंतहाई मुनासिब इकदाम किए गए हैं, जिनके बारे में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बहावलपुर के चीफ ऑफिसर चौधरी शफीक कहते हैं कि कुत्ता मार मुहिम कामयाबी से जारी है। पिछले हफ्ते में 300 के करीब कुत्ते मार चुके हैं। हमने फिर भी इसको सेंसिटाइज करते हुए 25 टीमें मुकर्रर की और पूरे शहर में जो है उसको हमने कराया। मेरे चीफ सेंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सुपरविजन की, मैंने भी उनको टाइम टू टाइम चेक किया, जिसमें तकरीबन हमने एक हफ्ते के अंदर 300 कुत्ता जो है वो मारा। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चौधरी शफीक ने कहा कि हमारे पास कुत्तों को मारने के लिए जहर की भी कमी नहीं, शहर में नजर आने वाले कुत्ते देहात से आ रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नहीं, हमारी जहर खत्म हुई थी, हमने फौरी दोबारा उसकी सप्लाई ले ली है, जहर हमारे पास वाफर मकदार में। लेकिन मैं यहाँ एक वजाहत जरूर करना चाहता हूँ कि अस्पताल में ज्यादा केसेस का जो आ रहे हैं वो रूरल एरिया के हैं, हमारे सिटी एरिया का कोई ऐसा उधर नहीं है केस। चीफ ऑफिसर का कहना था कि तहसील काउंसिल्स अपना काम सही नहीं कर रही, अगर तहसील काउंसिल्स भी कुत्ते मार मुहिम कामयाबी से चलाएं तो ऐसी सूरत हाल ना हो। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बहावलपुर जिला में कुत्ते मार मुहिम नाकाम नजर आती है, लेकिन बहावलपुर शहर में इस हवाले से इंतहाई मुनासिब इकदाम किए गए हैं, जिनके बारे में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बहावलपुर के चीफ ऑफिसर चौधरी शफीक कहते हैं कि कुत्ता मार मुहिम कामयाबी से जारी है। पिछले हफ्ते में 300 के करीब कुत्ते मार चुके हैं। हमने फिर भी इसको सेंसिटाइज करते हुए 25 टीमें मुकर्रर की और पूरे शहर में जो है उसको हमने कराया। मेरे चीफ सेंटी इंस्पेक्टर ने उसकी सुपरविजन की, मैंने भी उनको टाइम टू टाइम चेक किया, जिसमें तकरीबन हमने एक हफ्ते के अंदर 300 कुत्ता जो है वो मारा। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन चौधरी शफीक ने कहा कि हमारे पास कुत्तों को मारने के लिए जहर की भी कमी नहीं, शहर में नजर आने वाले कुत्ते देहात से आ रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नहीं, हमारी जहर खत्म हुई थी, हमने फौरी दोबारा उसकी सप्लाई ले ली है, जहर हमारे पास वाफर मकदार में। लेकिन मैं यहाँ एक वजाहत जरूर करना चाहता हूँ कि अस्पताल में ज्यादा केसेस का जो आ रहे हैं वो रूरल एरिया के हैं, हमारे सिटी एरिया का कोई ऐसा उधर नहीं है केस। चीफ ऑफिसर का कहना था कि तहसील काउंसिल्स अपना काम सही नहीं कर रही, अगर तहसील काउंसिल्स भी कुत्ते मार मुहिम कामयाबी से चलाएं तो ऐसी सूरत हाल ना हो। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।